नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ही मुमकिन है, बैरून मुल्क भेजने का फैसला नहीं हुआ। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयास ने राय दे दी। मेडिकल बोर्ड ने टेस्ट रिपोर्ट्स चेक की, नवाज शरीफ का मुआयना भी किया। रिपोर्ट्स पर मुशावरत जारी है। माहिर इमराज कल्ब के खदमात भी हासिल की गई। प्रोफेसर महमूद अयास, नवाज शरीफ के टेस्टों के लिए मजीद नमूने भी ले लिए गए। नवाज शरीफ की सेहत का मामला लीगी रहनुमा हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सरदार अय्याज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, सख्त जहनी दबाव का शिकार हैं, वापस जेल मुंतकली का कह रहे हैं। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ को दिल का मसला है, मेडिकल बोर्ड में एक भी हार्ट स्पेशलिस्ट शामिल नहीं, इलाज में बरती जाने वाली गफलत नाकाबिले कबूल है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज, मुलाकात के लिए घर वाले भी आए और पार्टी वाले भी पहुंचे। बेटी मरियम नवाज की अस्पताल आमद, मतवाले भी अस्पताल के बाहर मौजूद। कायद से सारे यकजहती के लिए नारेबाजी। कौन सीटीडी को ऑपरेशन के लिए भेजता है? चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट। एसपी जवाद कमर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया, सरकारी वकील। क्या वो एसपी गिरफ्तार है? अदालत। जिसने अफसर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया उसे मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश किया गया है, सरबराह जेआईटी। अदालत की दी गई मोहलत में एजाज शाह ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी। अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो सब जेल के अंदर होंगे, जस्टिस सरदार शमीम। सीटीडी के आला अफसर ने धमकाया, मुतासरीन के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। साहिवाल वाके की जीआईटी रिपोर्ट 10-12 रोज में आ जाएगी, फैजुल हसन चौहान का ऐलान। बोले जुडिशल कमीशन की जरूरत सानहा मॉडल टाउन जैसे वाके में होती है, जीआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खोखर बरादरान ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर गड़बड़ की, 402 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। महकमा एंटी करप्शन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का एलडीए, कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एंटी करप्शन को मार्च के दूसरे हफ्ते तक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इंक्वायरियों की रिपोर्ट की रोशनी में पता चलेगा कि रजिस्ट्रियां कब बनी। जस्टिस उमर अता बंदियाल। मार्टर नहीं बंदा फोर्ड कर सकता, गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा जो है तो वो बकाया सब्जी वो कैसे लेगा कि ये महंगाई पे कंट्रोल करें, अगर इनका हो सकता है। 40 रुपये रेट से पिछले हफ्ते या इस हफ्ते हो गया 100 रुपये। 200 बंदा की करे, खाना बनावे, टमाटर लवे की करे, इन्नी आमदनी नहीं जिन्ना खर्चा अखराजात ने। सब्जी सब तो ज़्यादा इस टाइम महंगी है, जी साढ़े मुल्क सस्ती होनी चाहिए। टमाटर बहुत महंगा हो गया, ये हार हांडी च पैंता है जी, इन सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सस्ते होने चाहिए। गरीब आदमी कहते खाने, गरीब आदमी खा सकता है, अमीर आदमी टमाटर खाता नहीं क्योंकि उसके पत्थरी पैदा हो जाती है, वो इंग्लैंड में जाके इलाज करवाता है। टमाटर बहरान एक मरतबा फिर सर उठाने लगा, कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। 6 रोज में कीमत 40 रुपए बढ़ी, सेंचुरी पर नॉट आउट। हंडिया की बुनियादी जरूरत फिर महंगी होने पर शहरी परेशान, मुर्गे की कीमतों को भी पड़ लग गए। एक हफ्ते में रेट में 52 रुपए का इजाफा, फी किलो कीमत 206 रुपए पर पहुँच गई। हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन एक ही डगर पर, एक माह होने को है। 13 मुअत्तल अराकीन ने ताहाल गोशवारे जमा ना करवाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुअत्तल होने वालों में तहरीक इंसाफ और नून लीग के 6-6 और काफ लीग की एक खातून रुकन भी शामिल। मेट्रोपॉलिटन की तरक्याती स्कीमों की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए, चेयरमैन इत्तेहाद ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन को 7 फरवरी के टेंडर्स मनसूखे की दरख्वास्त दे दी। हमारी स्कीमों को रद्दी की टोकरी की नज़र किया जाता है, हमारे काम नहीं होंगे तो किसी का काम भी नहीं होगा, चेयरमैन इत्तेहाद का ऐलान। पांचवी के इम्तिहानात आगाज पर ही मुतनाज़े, तलबा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी मराकज में इन, पर्चा आउट। साइंस के पर्चे की जवाबी कॉपी मार्केट में मिलती रही। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहानात की सीक्रेसी बरकरार रखने में नाकाम, बकिया पेपर्स पर भी सवालिया निशान लग गया।
कफायतकारी अपनाना है, शहर को चमकाना है। सफाई के निगरान कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद नसीर बट्टू के शहर की सफाई सुथराई के लिए अहम इकदाम। अमले की हफ्तावार छुट्टी बंद। असिस्टेंट मैनेजर्स और जोनल ऑफिसर से 60 गाड़ियां वापस लेने का फैसला। तमाम फील्ड स्टाफ को मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। अफसरान को पूरे दिन में सिर्फ एक कप चाय का मिलेगा। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी बंद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से पंजाब बार काउंसिल के नौमुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। जस्टिस सरदार शमीम खान ने नौमुंतखब वकला रहनुमाओं को मुबारकबाद दी। वकला रहनुमाओं ने बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस के मसाइल हल की तजावीज पेश की। कैंसर से बचाव का आलमी दिन। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेरे तमाम आगाही वॉक। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल समेत डॉक्टर्स, मेडिकल के तलबा और शहरियों की शिरकत। कैंसर से आगाही और बरवक्त इलाज जरूरी है। माहिरीन। महकमा पुलिस के 5 DIGs की तरक्की। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैज लगाए। IG ऑफिस में होने वाली तकरीब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर, दीगर अफसरान की भी शिरकत। तरक्की पाने वालों में गौहर मुश्ताक भुट्टा, जुबैर दरेशक, जवाद डोगर, एहसन यूनस, कैप्टन रिटायर्ड अता, अफजाल कौसर, इमरान अहमद भी शामिल। तालीमी इदारों की अफादियत अपनी जगह, असल चीज जहानत होती है। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शोना मुफ्ती का गवर्नमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर सेमिनार में लेक्चर। शुरुका के सवाल के जवाब भी दिए। अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल का सालाना स्पोर्ट्स गाला। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। कराटे, रस्साकशी और कश्ती, बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। के खालिक बानो कुत्सिया को दुनियाए अदब से रुखसत हुए, 2 बरस भी रीत गए।